नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02-2300-1634। इसके अलावा आप 02-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, क्योंकि रबी फसलों की जो खरीद हुई है MSP पर वो रिकॉर्ड हुई है और खास करके गेहूं की जबरदस्त खरीद हुई है। कोरोना के बावजूद इतनी खरीद की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं। Record procurement of wheat has happened this Rabi marketing season. 432.48 lakh metric tons have been procured, which is compared to the previous Rabi marketing season, it was only 389.92 lakhs. This increase has happened even despite the pandemic. 85,413 crores have been directly paid into the farmers' accounts. तो 432 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीद हुई है इस रबी सीजन में और 85,413 करोड़ रुपए की यह खरीद की गई है। किसानों के खाते में ये पैसे गए हैं, ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। अच्छी बात है कि MSP का जो कमिटमेंट था वो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। उम्मीद है कि आगे भी जो खरीफ फसलों की MSP तय की गई है वो भी किसानों को पूरी तरह से यहाँ पर मिल पाए। चलिए, लेकिन MSP की बात हो रही है, लेकिन एक कमोडिटी है जिसके दाम MSP से काफ़ी नीचे आ गए हैं और वो कमोडिटी है चना। चने में तेज़ गिरावट आई है, 5,000 के नीचे आ गया भाव, 3% तक की तेज़ गिरावट। नेफेड की बिकवाली ने मार्केट के सेंटिमेंट को कमज़ोर किया है। सुनील बलदेवा हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, आपटा के जनरल सेक्रेटरी हैं एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, ये गिरावट अचानक क्यों आई है, क्या सिर्फ नेफेड की बिकवाली ही वजह है या कुछ और? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 9.5-9.5 लाख टन जो बफर स्टॉक देने का था पिछले सीजन के क्रॉप का, इस सीजन के क्रॉप का मिला के, उसमें से 3 लाख टन जो है वो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया है कि उसको मार्केट में उतारा जाए ताकि दालों के दाम नियंत्रण में रहे। यहाँ एक रोचक बात जरूर है कि आप भी कह रहे हैं कि चना MSP से काफी नीचे बिक रही है, मंडियां भी ये बता रही है कि चना MSP से करीबन 10% नीचे बिक रहा है, फिर भी मंत्रालय ये कह रहा है कि हम कीमतों को नियंत्रण रखने के लिए इस 3 लाख टन को उतार रहे हैं। जबकि आज यदि बात करूं तो उड़द, तुअर, मूंग और चना चारों जो है वो MSP से नीचे और काफी नीचे बिक रही है। केवल एक मसूर एक ऐसी आइटम है जो MSP से थोड़ी ऊपर बिक रही है। तो ये एक सरकारी नीति को समझने में व्यापारी बिल्कुल फेल रहे हैं कि एक्चुअल में सरकार चाहती क्या है, क्या सरकार किसानों को MSP दिलाने के बाद और किसानों से MSP से माल की व्यापारी खरीद ले, उसके बाद व्यापारी किसी भी भाव बेचने को मजबूर हो, तो ऐसा कब तक चलेगा? व्यापारी 1 साल खरीदेगा, 2 साल खरीदेगा, उसके बाद व्यापारी मार्केट में नहीं आएगा। इसका पहले भी हमने इसका दुष्परिणाम देखे हैं, अभी दोबारा देख रहे हैं। और आज जो मंदी आई है वो केवल इसी वजह से आई है क्योंकि बफर स्टॉक से 9 लाख टन में से 3 लाख टन सरकार ने बेचने का फैसला किया है। अब इसका प्राइस क्या होगा, क्या मार्केट प्राइस होगा या पिछले साल की MSP 4875 पे होगा या नई MSP 5100 होगा, ये भी देखना एक रोचक रहेगा। क्योंकि मंडियां जो है, मंडियों के हिसाब से नाफेड का अभी माल 48 से ऊपर नहीं बिकेगा, तो क्या सरकार इस भाव पे छोड़ेगी इस माल को, ये भी एक देखना रोचक रहेगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि नेफेड को भी माल नहीं बेचना चाहिए था, तो नेफेड फिर कब बेचे माल? जो नेफेड खरीदता है फिर नेफेड को तो कभी ना कभी सर बेचना ही होगा, तो आपके हिसाब से कौन सा वक्त सही है नेफेड के लिए बेचने का? नेफेड ये माल नहीं बेच रही है, ये माल जो पीएसएफ का है वो नहीं बेच रहे हैं, ये कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी के पास जो बफर का माल है वो रिलीज किया गया है। यदि ओपन सेल का माल होता उसको नेफेड बेचने को आती तो शायद इतना आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि
4,40,000 टन माल नाफेड के पास भी ऐसा है जो वो ओपन सेल में सेल कर सकती है। ये माल बल्कि नाफेड इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि 5 तारीख तक तो अभी परचेजिंग ही चल रही है, प्रोक्योरमेंट ही चल रही है सरकार की। अभी प्रोक्योरमेंट राजस्थान में भी कल खत्म होगी, तो यदि प्रोक्योरमेंट डेट खत्म होते ही हम ऐसा डिसीजन लेते हैं तो इस पे जरूर व्यापारी जो है अपने डिसीजन लेने में अपने खुद को असमर्थ महसूस करता है। अच्छा, एक बार बताइए सुनील जी कि अभी जो चने का प्राइस है वो ना तो नई एमएसपी को मैच कर रहा है और ना ही पुरानी एमएसपी को। आपने खुद बताया कि जो मार्केट प्राइस है वो 4800 से ऊपर जाएगा नहीं इस चने का। तो अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस पर बेचने का फैसला सरकार ने ले लिया, प्राइस डिक्लेयर कर दिया, तब क्या हम और गिरावट देखेंगे क्या मार्केट में? बिल्कुल, यदि मार्केट प्राइस पे मार्केट रेट पे यदि सरकार बेचने का यदि फैसला लेती है तो अभी 200 रुपये चना और जा सकता है। मैंने जैसा कहा कि व्यापारी अभी कोई डिसीजन लेने में असमर्थ है, क्योंकि सरकार के निर्णय इतने अचानक से और ऐसे होते हैं कि उसको प्रिडिक्शन करना भी मुश्किल होता है और व्यापारी का लॉस होता जा रहा है। इसलिए व्यापारी मार्केट से और बाजार से हमेशा दूर हो ऐसी स्थिति में दूर हो जाता है, और वही स्थिति हमें अगले दिनों में दिखाई देगी। आपको परचेजिंग बिल्कुल खत्म दिखाई देगी, चाहे यदि वो किसानों का माल हो चाहे नाफेड का माल हो, व्यापारी खरीदने में असमर्थ होंगे, केवल उतना ही माल खरीदेंगे जितना उनकी दाल बिक्री हो और दाल प्लांट के लिए जरूरी हो। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय देने के लिए कि आखिर इतनी तेज गिरावट चने की कीमतों में क्यों आई है और आगे के हालात चने को लेकर क्या बन सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब लौटते हैं कि आज के मार्केट में आपको क्या करना है, और हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट जुड़े हैं, उनसे हम डिटेल में समझेंगे कि आज के बाजार में आपको क्या करना है। हमारे साथ आज जुड़े हैं बीरेन वकील पैराडाइम कमोडिटी के और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बीरेन जी बताएं सर, गोल्ड का मार्केट इस वक्त आपको कैसा लग रहा है और आपको लगता है कि गोल्ड में अभी ट्रेड लेना सेफ है, ट्रेड लेना चाहिए? क्योंकि इस वक्त अगर हम मार्केट प्राइस को देखें तो गोल्ड में बहुत ही रेंज का ट्रेड हो रहा है, महज 10 रुपए ऊपर है MCX पर गोल्ड। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से आज शाम के कारोबार में? काफी स्टिकी मार्केट है, जहां तक आपने कहा कि सेफ ट्रेड है तो सेफ्टी तो लग रही है, पैसा ज्यादा आएगा भी नहीं, ज्यादा जाएगा भी नहीं। 200-300 रुपया 400 रुपया का मैक्सिमम 0.5% का ट्रेड है। अगर किसी को जॉबिंग के हिसाब से करना है तो अच्छा ट्रेड है, यहाँ 46,800 के आसपास बाई कर सकते हैं, 47,200 का टारगेट होना चाहिए और स्टॉप लॉस भी काफी छोटा रखना चाहिए 46,600 का। काफी सीमित दायरे का बाजार है ये। अच्छा, तो आप कह रहे हैं काफी रेंज का मार्केट अभी है। अनुज जी आपका व्यू क्या है आज, अगर कोई सिर्फ शाम के कारोबार में ट्रेड करना चाहे गोल्ड में, तो आपके हिसाब से इस वक्त गोल्ड में किस तरह का ट्रेड बनता है? मृदुजा जी गुड इवनिंग। गोल्ड सिल्वर में हमने पिछले हफ्ते एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखा था, हालांकि वहां पर बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दी थी। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहां पर भी $1,775 के आसपास गोल्ड का भाव ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 1800 को ब्रीच नहीं कर पा रहा है, तो एक सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव मुझे लग रहा है कि यहां पर रहेगा। तो गोल्ड के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए, हालांकि मार्केट में ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, बट मुझे लगता है कि बिकवाली का ट्रेड 47,000 के आसपास मीन्स ऑलमोस्ट करंट रेट के आसपास बिकवाली करें। नीचे हमें लगता है 46,600 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर आपको ये लेवल्स देखने को मिले। और इंटरनेशनल मार्केट में $1,755 तक के लेवल यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट्स बन रहे हैं और जो मार्केट में मोमेंटम हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जो है वो गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। बीरेन जी क्रूड का मार्केट सर कैसा लग रहा है आपको? क्रूड में थोड़ी सी गिरावट है लेकिन मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा गिरावट के मूड में दिख नहीं रहा है, और अब 1 जुलाई को चूंकि ओपेक और गैर ओपेक देशों की बैठक होनी है, उस पर मार्केट की नजरें टिकी हुई हैं। आप बताएं कि कच्चे तेल में इस वक्त किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए?
मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है, एक करेक्शन थोड़ा ड्यू है, क्योंकि $5 से पिछले सवा साल में $5 से बढ़ के ये 75 तक गया, तो अब नेचुरली थोड़ा करेक्शन आना चाहिए। बट फिर भी मैं इसमें शॉर्ट साइड जाना प्रेफर नहीं करूँगा। कोई अच्छा सा डीप अगर मिल जाए 5330 के आसपास तो बाइंग प्रेफर करूँगा। 5180 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5650 5700 के बीच का टारगेट रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये राय हो गई क्रूड के ऊपर। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है अमित का, अमित जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए अमित जी। सवाल मेहता ऑयल पर है और अमित गुप्ता जी से मेरा सवाल है कि सर ये 1600 या 1700 का लेवल कब तक देखने को मिलेगा, कितना वेट करना पड़ेगा? 1600 मक्के पर सवाल है आपका सर? नहीं, मेहता ऑयल पे। अच्छा, मेंथा ऑयल, ओके। बताइए अनु जी, 1600 और 1700 क्या इस रेंज में हम मेंथा के प्राइस को अभी देख पाएंगे क्या आने वाले दिनों में? देखिए, मेंथा ने जो लाइफ टाइम हाई बनाया था वो करीबन 1900-2000 के आसपास का था। हालांकि अभी भाव अभी करीबन 1076 के आसपास चल रहे हैं। हालांकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है नहीं कि उतने ज़्यादा जो रेट हैं जो टारगेट कर रहे हैं वो देखने को मिलेंगे। इनिशियली जो एक हर्डल है वो करीबन 1300 के लेवल के आसपास है। मुझे लगता है अगर 1300 का लेवल ब्रेक होगा तो आपको 1600 का लेवल भी देखने को मिलेगा। बट इनिशियली आप अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ट्रेंड पॉजिटिव है, आप 1300 के टारगेट को लेकर आप ट्रेड ले सकते हैं। 1300 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है तो फिर आप नेक्स्ट टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि 1300 के आसपास आप एक बार टारगेट के लिए अपनी खरीदारी यहाँ पर ली जा सकती है। ठीक है, सुशील हैं आप हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, बताइए सुशील जी। सर मेरा सवाल एक तो ग्वार पर है, दूसरा ये सवाल है कि पर्टिकुलर आप ग्वार पे एक ही व्यक्ति को लाते हो चैनल पे, इसके अंदर बहुत भी और भी एक्सपर्ट है, उनको भी पूछो, हरियाणा के अंदर भी है, गंगानगर के अंदर भी है, नोखा में भी है, जोधपुर में भी है, बहुत सारे एक्सपर्ट को आते हैं सर। पर्टिकुलर हम तो एक ही चेहरा देखते हैं सर, बिल्कुल आते हैं सर, एक्सपर्ट आते हैं, बिल्कुल आते हैं, आप रेगुलर आप देखें क्या लगता है ग्वार में अभी आपको? कि ये काफी रेंज बाउंड मार्केट है और 4,044 और एट द मोस्ट 4,042 के बीच घूम रहा है। पिछले करीबन 3 साल से हम यही रेंज देख रहे हैं, कभी कभी कोई बार एक आध बार 45 हो गया या कभी एक आध बार 35 हो गया, बट अदरवाइज उसकी रेंज ये काफी रेंज बाउंड हो गई है। हर साल इसमें प्रोजेक्शन बहुत कम आते हैं, जब फसल आती है तो बहुत कम फसल आएगी, बहुत कम फसल आएगी, बट गवार कहाँ से निकल रहा है वो पता नहीं चलता, निकल ही रहा है। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी ये ग्वार पर कि अभी ग्वार में आगे होने क्या वाला है। अनुज जी, ओवरऑल मेटल का मार्केट इस वक्त आपको कैसा दिख रहा है और बेस मेटल में अभी अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? मृत्युंजय जी, मेटल्स में हमने आज मॉर्निंग से एक गिरावट का ट्रेंड देखा है। हालांकि यहाँ पर भी जो ट्रेंड बन रहा है वो यही है कि हायर लेवल पे भाव नहीं टिक पा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर जो है वो हावी रहेगा। तो अगर हम टॉप पिक की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कॉपर में खरीदारी का बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए करीबन 720 के आसपास। अभी जो भाव चल रहे हैं करीबन 719 के आसपास हैं, एक रुपये पर अगर भाव मिलता तो आप बिकवाली करें। 726 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 710 तक देखने को मिल सकता है। साथ में जिंक के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड हम रिकमेंड कर रहे हैं करीबन 235 के आसपास। ये भी 50 पैसे ऊपर अगर मार्केट आता है तो बिकवाली का ट्रेड लें, स्टॉप लॉस 238 का, टारगेट नीचे 230 तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि कॉपर और जिंक के अंदर बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। बेस मेटल में देखें तो यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू मुझे लगता है कि यहाँ पर देखा जा सकता है। ओके, ठीक है। इस बीच अतुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं यवतमाल से, पूछिए अतुल जी। सर मुझे सोयाबीन की अक्टूबर नवंबर में क्या पोजीशन रहेगी, इसके बारे में डिटेल होना था सर। सोयाबीन की और ऑयल की आप जानना चाहते हैं, दोनों की? सोया। ठीक है, बताइए बीरेन जी क्या लगता है आपको सोया का आउटलुक दिसंबर तक का?
अभी कहना काफी जल्दबाजी होगी क्योंकि जुलाई महीने का मानसून अमेरिका का भी और इंडिया का भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अभी तो सोइंग शुरू हुई है और कुछ कुछ जगह पे बाकी है। पॉलिनेशन कब होगा, जर्मिनेशन कब होगा, काफी कुछ देखना पड़ेगा, बट कैरी फॉरवर्ड काफी टाइट है। तो अभी फिलहाल लंबी मंदी नहीं सोचनी चाहिए, जैसा हम लास्ट पीक में देखते थे नीचे में 6200, ऊपर में 7200, 1000 रुपये की मूवमेंट आ रही है। फिलहाल ऐसा मानता हूं कि बारिश का दो राउंड अगर अच्छा आ जाए बाद में हम सोच सकते हैं। अगला साल शायद मंदी का रहेगा, बट वो अक्टूबर के बाद हम देखेंगे, उसके पहले मार्केट टाइट लग रहा है। अच्छा ठीक है, राहुल हैं, अगला सवाल राहुल का है, पूछिए राहुल जी। मेरे को वीरेंद्र जी से पूछना है कि कपास खली में क्या कितना और नीचे आएगा या कहाँ से बाय करना चाहिए? इनकी कॉल है जो सटीक बिल्कुल सही जाती है, कहाँ से खरीदना चाहिए इसको? हाँ बताइए वीरेंद्र जी, कपास खली पर आपने अब तक जो भी बताया है वो राय बिल्कुल सही साबित हुई है। अब बताएं सर कि इस लेवल पे कपास खली में आप क्या ट्रेड लेना चाहिए? मैं काफी गलत जाता हूँ, मैं थोड़ा ओवर रेटेड हूँ, ऐसा मैं ऑनेस्टली बताऊंगा। बट जहां तक खली का सवाल है तो दिसंबर कॉटन की पर मैं बाई साइड की बेट लेना चाहूंगा, क्योंकि वो 700 रुपए डिस्काउंट में मिल रहा है। जो नियर टर्म अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है वो 100-100 रुपए का बदला है, तो उसमें बाइंग साइड में नहीं जाऊंगा। दिसंबर करंट 2370 का लेवल अच्छी बाइंग का लेवल है, जो आगे जाके 2600-2700 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी है कपास खली में कि अभी कपास खली में करना क्या चाहिए। अच्छा अनुज जी, आप जरा बताएं कि अभी हमने चने के ऊपर बात की थी और जो गिरावट आई उसके पीछे वजह भी बताई सुनील जी ने, और उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट की बिकवाली है उसका इम्पैक्ट हमने देखा है, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कल के लिए चने में क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए? देखिए चने में अगर हम पूरे ही चार्ट को देखें तो नेगेटिव टेरिटरी शो कर रहा है, और अगर हम देखें तो रिसेंटली उसने कॉन्ट्रैक्ट लो बनाया था, अब दोबारा से उसी तर्ज पे आता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली जो सप्लाईज बड़ी हैं जो बिकवाली मार्केट में हुई है उससे यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल कुछ और यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो करीबन 5100 के आसपास अगर थोड़ा सा बाउंस बैक आता है तो वहाँ पे बिकवाली करें। हमें लगता है कि यहाँ पे 4800 रुपये तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सभी दालों में नरमी देखने को मिली है तो चने के अंदर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बिकवाली है वो हावी रहेगी, और हम जो टारगेट कर रहे हैं वो नीचे करीबन 4800 के लेवल को हम टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का टेक्निकल पैरामीटर और फंडामेंटल में जो सप्लाई बढ़ी है दोनों ही पैरामीटर ये शो कर रहे हैं कि चने में और बाकी दालों में नरमी का रूप देखने को मिल सकता है। ठीक है, गोपाल हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, गोपाल पूछिए। गोपाल जी, जी सर नमस्कार। सर जी गुआर नया हाई भाव कब बनाएगा सर, इसमें कब तेजी आएगी? करोड़ में अच्छी तेजी आई है तो 1-2 साल में आएगी इसमें सर? बताइए अनुज जी, आपके हिसाब से क्या न्यू हाई हम आगे गुआर में देखेंगे? क्रूड की बढ़ती कीमतों का और इम्पैक्ट दिखेगा क्या गुआर प्राइस पर? देखिए जो वो पहले इक्वेशन था कि क्रूड के साथ ग्वार चल रहा है वो अब इक्वेशन नहीं होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डेफिनेटली जो ग्वार सीड ग्वारगम है वो काफ़ी कंसोलिडेशन लेवल पर है, यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड हमें लगता नहीं देखने को मिलेगा। कंसोलिडेशन फेस में तो खरीदारी की जा सकती है। जो इनिशियली आप टारगेट कर सकते हो करीबन 4200 को आप टारगेट कर सकते हो ग्वार सीड में, और ग्वारगम में आप करीबन 6500 को टारगेट कर सकते हो। तो जो न्यू हाई है या लाइफ टाइम हाई की अगर आप बात कर रहे हो वो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको आने वाले 2 या 3 महीने बाद नई क्रॉप की बारे में सुनने को मिलेगा और नई क्रॉप आती हुई दिखाई देगी, तब हो सकता है कि दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। मगर तब तक मुझे लगता है कि आपको 4200 का और 6500 का लेवल ग्वारगम में देखने को मिल सकता है। कंसोलिडेशन लेवल पर है, ओवरसोल्ड जोन में है, यहाँ पर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड ग्वार सीड ग्वारगम में वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हैं। अच्छा तो ठीक है, तो ये राय आपकी ग्वार के ऊपर है कि ग्वार में अभी आप क्या कर सकते हैं, लेकिन इस बीच कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं ये आपको बता दें फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक खबर तो गुजरात में मूंगफली की बुआई को लेकर है जो 60% घट गई है। सौराष्ट्र और कच्छ में सामान्य से 16% कम बारिश हुई है, उसका इम्पैक्ट हमने गुजरात में मूंगफली की बुआई पर देखा है। MP राजस्थान हरियाणा में दलहन बुआई पिछले साल से ज्यादा है। UP में अब तक धान और उड़द बुआई पिछले साल से ज्यादा। UP में मूंग तुअर सोयाबीन बाजरा बुआई पिछले साल से कम हुई है, और महाराष्ट्र में अब तक लक्ष्य से 16% एरिया करीब करीब 23.5 लाख हेक्टेयर में बुआई पूरी हो गई है।
ये कुछ बुआई के आंकड़े हैं। लेकिन बुआई के आंकड़ों के बीच एक खबर और आई है, और वो खबर कॉटन से जुड़ी हुई है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से अपील की है कि जो 10% की इम्पोर्ट ड्यूटी कॉटन पर सरकार ने लगाई थी उसको वापस ले लिया जाए, जो फरवरी 2021 में लगाई गई थी। ये इसको लेकर के कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है और अपील की है कि जल्द इस मामले में सरकार फैसला ले, क्योंकि कहा गया कॉटन जो है वो ओपन जनरल लाइसेंस के तहत है और इसमें बहुत वक्त से कॉटन को इस दायरे में रखा गया है। तो अब ये अपील की गई है कि इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी हटा ली जाए जो फरवरी 2021 में लगाई गई थी। इस बात को लेकर कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी, जहां पर बिकवाली की सलाह है 47,050 के आसपास बिकवाली करें, 47,250 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 46,600 तक देखने को मिल सकता है। आपकी कॉल धीरेन जी। जुलाई सिक्योर बाइंग प्रेफर करूंगा 995 पे, टारगेट रहेगा 1025 और स्टॉप लॉस रहेगा 980। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल कॉपर में है, कॉपर में बिकवाली करें 720 में, 726 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 710 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके कम्युनिटी में बन सकते हैं।